नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं नेहा। नेशनल टॉप 5 न्यूज में आप सबों का स्वागत है। बिहार में आई बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार बाढ़ में 4 लोगों की मौत हो गई है और 18 लोग प्रभावित हुए हैं। बिहार के सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, अररिया, सुपौल, किशनगंज, शिवहर बाढ़ की चपेट में आ गया है। नेपाल में हो रही भारी बारिश और उत्तर प्रदेश वीरपुर बांध से छोड़े गए पानी को बाढ़ का कारण बताया गया है। शनिवार शाम बांध के सभी 56 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे कोसी, गंडक, बागमती नदी में पानी का स्तर बहुत बढ़ गया है। बागमती नदी में पानी का स्तर बढ़ जाने से उत्तर बिहार के सीतामढ़ी और शिवहर के 200 गांव बाढ़ से जूझ रहे हैं। हजारों लोग सरकार द्वारा लगाए कैंपों में रह रहे हैं और कैंपों में मिला खाना ही खा रहे हैं। रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और राज्य के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों का सर्वे किया। दूसरी राष्ट्रीय खबर यह है कि बीएल संतोष को बीजेपी का महासचिव नियुक्त कर दिया गया है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने रविवार को बीएल संतोष को पार्टी का महासचिव नियुक्त किया है। बीएल संतोष पहले पार्टी में संयुक्त महासचिव के पद पे थे, उन्हें रामलाल की जगह दी गई है। एक दिन पहले रामलाल को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में वापस भेजा गया। रामलाल महासचिव के पद पे 13 साल से थे भारतीय जनता पार्टी में। यह माना जाता है कि बीएल संतोष को कर्नाटक की राजनीति की अच्छी जानकारी है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भरोसेमंद हैं। तीसरी बड़ी खबर स्वास्थ्य से है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिकित्सा के क्षेत्र में मास्टर की पढ़ाई के लिए नीट प्रवेश परीक्षा को खत्म करने का प्रस्ताव किया है। मंत्रालय का कहना है कि एमडी और एमएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एमबीबीएस की अंतिम वर्ष की परीक्षा ही काफी होगी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक के संशोधित मसौदे में इस तरह का बदलाव किया गया है, जो जल्द ही कैबिनेट को भेजा जाएगा। खबर अंतर्राष्ट्रीय है। अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने बातचीत करने की अपील की है। एक संयुक्त बयान में यूरोपीय देशों ने कहा है कि सभी पक्षों को ठहर कर ये सोचने की जरूरत है कि उनके उठाए कदमों के परिणाम क्या होंगे। पिछले साल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते से अलग होने का फैसला किया था, जिसके बाद से ही अमेरिका और ईरान के रिश्तों में तल्खी बढ़ती गई। अमेरिका ने ईरान पे कई कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। कुवैत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों से बात करते हुए संस्था की विदेश नीति प्रमुख फेडरिका मोगरानी ने कहा है कि यूरोपीय संघ और कुवैत दोनों ही क्षेत्रों के मौजूदा तनाव को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है, हमारे यानी कि यूरोपियन यूनियन और कुवैत के विचार एक से हैं। हमारे इस कॉमन क्षेत्र में एक और संघर्ष और एक और युद्ध की जरूरत नहीं है। पांचवी खबर भी अमेरिका से है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक महिला सांसदों को निशाना बना के कुछ ट्वीट किया, जिसके बाद से उन पर नस्लवाद के आरोप लगातार लग रहे हैं। दरअसल उन्होंने जाति अल्पसंख्यक महिला सांसदों के एक समूह से कहा था कि वो जहां से आई हैं वहां उन्हें लौट जाना चाहिए। ट्विटर पर राष्ट्रपति ने कहा, उन्हें अमेरिका की आलोचना करने के बजाय अपने मूल देश की विनाशकारी सरकारों को ठीक करना चाहिए। इसके बाद से लगातार ट्रंप की आलोचना की जा रही है। तो ये थे राष्ट्रीय खबर। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।